हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरजीत और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे किचन में, कुक विद सिमरजीत। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी के पराठे। गोभी के पराठे बनाने के लिए देखिए, मैंने ये कद्दूकस कर लिया है, गोभी को तेल डाल के भून लिया, उसमें जवैन मंगरेला डाला है, ऊपर से नमक स्वाद के अनुसार और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के हल्का हल्का भून लिया है। इसको मसाला तैयार कर लिया भून के, देखिए इस टाइप का मसाला तैयार हो गया। अब इस मसाला को मैं रख देती हूँ एक साइड। देखिए इसको ठंडा होने के लिए रख देना, हो सके तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद आटा, आटा में थोड़ा सा नमक डालें स्वाद के अनुसार, आटा लगा लें जैसे आम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लें। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया मैंने, अब इसे गूंथ लें। ठंड के दिन में गोभी के पराठे बटर डाल के बहुत मज़ा आता है, ऊपर से साथ में चाय मिल जाए तो और मज़ा आता है खाने में, नाश्ता सुबह का परफेक्ट। देखिए गूंथ लिया मैंने आटा। उसके बाद आटा लेना है और वो जो मैंने बनाया है गोभी का मसाला तैयार किया है, उस मसाले को इसमें भर लेना है। लेकिन मेरी टेक्निक थोड़ी सी अलग है, जो लोई बनाते हैं ना उसको जो है इस टाइप से बनाते हैं भरने के लिए, उसमें थोड़ा सा सूखा आटा अंदर लगा दे जिससे कि वो फट के बाहर नहीं आएगा। गोभी गोभी डाल दिया, ऊपर से भी लगा दिया मैंने इस टाइप से। थोड़ी सी ट्रिक ये वाली अपना लोगे तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगा रोटी बना बेलते समय। रोटी जब भी बेलोगे, पराठा मतलब रोटी पराठा जो कहिए। देखिए अब मैं इसे बेल लेती हूँ। गोभी जो भुनी थी ना उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एकदम सूख जानी चाहिए अच्छी तरीके से और ठंडी हो जानी चाहिए। उसके बाद बनाइए, देखिए एकदम नहीं निकलेगा उसमें से। अच्छी तरह से भर के बनाइए, तब ज़्यादा रहेगा उसमें गोभी तो मज़ा आएगा खाने में। गरम गरम खाइए, देखिए रोज़ बनाने का मन करेगा, इतना अच्छा लगता है खाना में। तवा गरम हो गया, मैंने रोटी डाल दी है। गोभी के पराठे की तो बात ही कुछ अलग है, वो भी ठंड के दिन रहते हैं गरम गरम गोभी के पराठे। घी लगा के और बटर ऊपर से डाल के मस्त खाने में मज़ा आता है, सुपर नाश्ता रहता है और हेल्दी भी रहता है नाश्ता। इस टाइप से बनाएं फटाफट फटाफट, उसके बाद सर्व करें। देखिए मैंने ऊपर से बटर डाल दिया, गरम गरम पराठा ऊपर से बटर। मैं तो पराठा बटर के साथ ही सारा खा जाती हूँ, लेकिन साथ में अगर दही लेना है तो दही लेने तो चाय बहुत अच्छी रहती है, गरम गरम चाय और गोभी का पराठा। घी डाल के या बटर डाल के, बटर वाला थोड़ा ज़्यादा आजकल तो टेस्टी बाज़ार लगता में गोभी अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी गोभी। आप भी बनाएं गोभी के पराठे और खाने का आनंद लें। मेरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखने के बाद आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई रेसिपी के साथ।